ऊना जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत लाल सिंगी में रविवार को वन महोत्सव के उपलक्ष में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक सतपाल राय जादा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण करने से पहले पूर्व विधायक ने कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राओं को साथ एक साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली के माध्यम से युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया। रैली के समापन पर सोनभद्रा नदी के तट पर सुंदर फूलों वाले अमलतास के पौधों का रोपण किया गया। जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो ये था कि हमारी सर से डिस्कस हुआ था कि स्वा नदी की जो चैनलाइजेशन हुई है तो इसके बैंक्स को स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है और ये एरिया जो है और कैसे सुंदर दिखे, तो उसी अभियान में हम आगे बढ़ते हुए आज हमने 100 पौधे यहाँ लगाने का निर्णय लिया था। पौधे जो हम लगा रहे हैं ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स है, अमलतास जिसको बोलते हैं, तो वो पीले रंग के फूल जो है गर्मियों में काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस एक तो एरिया की ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी और दूसरे साथ साथ में जो है हमारे जो ये बैंक्स है ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। इस अभियान में हमारे साथ कॉलेज के बच्चे जुड़े हैं, छोटे बच्चे जुड़े हैं, तो इसमें अभियान में हमने जो इसको और एक मैसेज को जो है काफ़ी लाउड एंड क्लियर भेजने के लिए हमने कोशिश की कि सबको हम साइकिलिंग के साथ जुड़ें जिससे लोगों की सेहत भी ठीक रहे और जो साइकिल जो कि एक आज की डेट में ख़त्म सी हो चुकी है चीज़ ना, क्योंकि मोटराइजेशन के ज़माने में तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेफर करें और बिना किसी झिझक के बिना किसी शर्म के जो है साइकिल को अपनाएं, अपनी सेहत भी सुधारें और पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको भी बचाएं। तो इस अभियान के तहत हमने आज का एक कार्यक्रम रखा है साइकिलिंग अलोंग विद प्लांटेशन। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने कहा कि पौधारोपण करते हुए समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों से चल रही आपदा और त्रासदी के लिए कहीं न कहीं पर्यावरण का संतुलन और वनों को अंधाधुंध कटान भी जिम्मेदार है। पौधारोपण के लिए विशेष रूप से सोनभद्रा नदी के तट को चुना गया है। सर, एक जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा जो संदेश हम देना चाहते हैं वो पर्यावरण को लेकर है। वो जिस तरीके से आज हिमाचल प्रदेश में आपदाओं का दौर चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं कारण पर्यावरण और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो आज कम हो रहे हैं, वन कम हो रहे हैं। तो इसको हम जो हमारा ऊना में जो स्वा है, स्वा नदी है और ये अपने काफ़ी उफान पे भी होती है और हमारा DFO साहब से बात हुई तो मैंने इनको एक इनसे डिस्कस की कि इस बार हम इसको शुरुआत में 100 जो है एक 100 पौधे जो है उनका रोपण करेंगे और अगले साल जो इसको और बढ़ाएंगे। इसका कारण यह है कि हमारी एक सोच बनी है कि जो स्वांच इंटेलिजेंस के दोनों तरफ पौधों को जो लगाया जाए ताकि एक तो इसकी तटीकरण जो है वो मजबूत हो सके और उसके साथ साथ जो है सौंदर्यकरण भी हो सके। तो हमारा उद्देश्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और मैं सभी अपने प्रदेशवासियों से और अपने बच्चों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि एक एक व्यक्ति भी अगर एक एक पौधा लगाएगा तब भी हम जो है अपने प्रदेश के पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं। यही मेरा संदेश। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।